कानिचीवा। देखिए गाइस सुबह सुबह स्कूल के बच्चे खेलते हुए, पता नहीं ये बच्चे ब्लू ग्रीन इस तरीके की कैप क्यों लगाते हैं। इधर सामने स्कूल है, ये ग्रीन कलर का, उसी के बच्चे हैं ये, बड़े कम है लेकिन। और इधर ये मेरा बच्चा खेलते हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कनिचीवा। गाइस आज मैं अपने घर की कुछ सेटिंग चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे काफी स्पेस है गाइस, आपको दिखता भी होगा, अच्छा खासा स्पेस है। और ये टेबल चेयर इधर उधर ही घूमते रहते हैं। तो देखिए अभी ऐसा, इसको मैं यहाँ से खाली करके, देखिए गाइस इधर भी स्पेस है, यहाँ मेरा ऑयल रखा रहता है और इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, अभी ये भी खाली है। तो कुछ सामान इसमें भी सेट करूँगी, कुछ इसमें भी करूँगी। आपने कल की वीडियो में देखा होगा, इसमें भी काफ़ी स्पेस है। मैंने बताया था आपको कल कि मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी और ऊपर भी इसमें काफ़ी स्पेस है। दिखा देती हूँ मैं आपको, खाली ही है। पिकल्स हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के सारे पिकल्स इंडिया से आए हैं। देखिए इधर ऊपर का भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो थोड़ी सी सेटिंग में चेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कैसा बना दिया ये एरिया। ये वो स्टैंड था जो यहाँ रखा हुआ था इस साइड, तो देखिए कितना ज़्यादा मैस यहाँ हो गया है। और मुझे ये मिला, ये यहाँ पर गैस के साइड लगाते हैं काफ़ी जैपनीज यूज़ करते हैं ताकि ये एरिया गंदा ना हो। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, अब मैं इसके सारे पार्ट्स कट कर दूँगी, इसमें 4 पार्ट्स हैं और सारे इसमें लगा दूँगी। देखिए गाइस जैसे मैं वहां काम कर रही थी, वायु नंदन यहाँ से मुझे आवाज देने लगे, मम्मी कहाँ हो, मिले पांच भी आ जाओ। अब वायु को थोड़ा पैम्पर किया है, फीड कराया, अब ये खेल रहा है। मैं फिर से अपना काम करती हूँ। आपने देखा होगा पहले मेरा फ्रिज इस साइड रखा रहता था, अब मैंने इसको इधर कर दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ ये भी मेरा सेट हो गया है पूरा, इसको रखने का स्पेस नहीं मिल रहा है। इसमें मैंने सामान रख दिया है जो जो मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आता है, वो सब मैंने इसमें सेट कर दिया। लेकिन अगर मैं इस फ्रिज को यहाँ रखूँगी ना, तो गाइस देखिए ये स्विच कवर्ड हो गए, मैं मिक्सी का यूज़ कैसे करूँगी। तो फिर से मैं थोड़ी सी सेटिंग फिर से चेंज कर रही हूँ। मैं सेटिंग चेंज नहीं कर रही हूँ अभी, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं नहा धो के पूजा करके पहले लंच बना लेती हूँ, उसके बाद सेट करके पूरा डेकोरेट करके मैं आपको दिखाऊंगी। वैक्यूम क्लीनर ना फ्रिज के साइड में रखा रहता था, अब मुझे इसके लिए भी स्पेस बनाना पड़ेगा, वो मैं इसमें बनाऊंगी। जापान के घर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते लेकिन स्पेशियस बहुत होते हैं, सामान रखने के लिए काफ़ी जगह होती है। इसको भी पूरा मैं क्लीन करूंगी अच्छे से, अगर मैं सेट करूंगी तो काफ़ी स्पेस निकलेगा इसमें भी। देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, तो यहीं ये वैक्यूम क्लीनर को भी मैं सेट करूंगी। अभी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, फ्री टाइम में करूंगी, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। तो गाइज एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देखिए ये है घी, ये मैं इंडिया से लाई थी, पूजा का घी है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि ये जम जाता है, तो हम स्टार्टिंग में बड़ा परेशान होते थे, फिर हमने रिसर्च किया तो पता चला यहाँ तिल का तेल भी मिलता है। सी गाइज ये जैपनीज है, पता ये इसको ये कुकिंग ऑयल में यूज़ करते हैं, एज अ कुकिंग ऑयल खाते हैं गाइज। देखिए यहाँ पर फोटो भी बन रहा है, नहीं हाँ मतलब खाते ही हैं, मैंने पूछा था तो हम तो दिया इसी से जलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये घी ये वाला जम जाता है। मैं आपको डब्बा दिखाऊं तो बहुत जमा हुआ है। शावर मैंने ले लिया है, अब मैं बनाती हूँ लंच। वायु सो रहा है, अच्छा टाइम है लंच बनाने का। लंच में मैं क्या बनाने जा रही हूँ आपको बता देती हूँ, गाजर बीन्स और शिमला मिर्च की सब्जी, रायता भी मैंने यहाँ बना दिया है, और सत्तू और आटा, गेहूं के आटे की स्पेशल हेल्दी वाली रोटी और दाल। और ये फ्रिज मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। गाइस खाने की थाली हो गई है रेडी, ये है दाल, दाल में फाइनली मैंने धनिया डाला है आज। ओ माय गॉड मेरा बच्चा बहुत खांस रहा है, क्या हुआ बट्टू? हाँ चलो अच्छा, ये अब मुझे खाने नहीं देगा। हाँ बोलो क्यों काज ले हो। देखिए गाइस इसने अपनी ये पजामे गीली कर दी थी, फिर को पजामे भी चेंज की मैंने। ओ मेरा बच्चा, मम्मी खाना खा ले या पहले खेली कर ले, बोलो बोलो। हाँ मुझे लग नहीं रहा है मुझे खाना खाने देगा, इवन मैं इसको थोड़ा सा संभाल के लंच करके फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कैसी हालत हो जाती है।
अकेले। ठीक है गाइस, लंच करके मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस घड़ी में बज चुके हैं, टाइम दिखा देती हूँ, 5:45 हो रहे हैं आई थिंक। हाँ वायु के पापा आ गए हैं, इसलिए अब वायु की मुझे टेंशन नहीं है। देखिए खेल रहा है आराम से। ची हाँ हाँ गाइज, अभी मुझे जाना है मार्केट, 5 मिनट के लिए जाऊंगी, थोड़ी सी सब्जी लेके आनी है और एक और काम करना है। मेरे डस्टबिन का जो ढक्कन होता है ना लिड, वो उड़ गई है। यहाँ इतनी जोर से हवा चलती है, अंटार्कटिका की बहुत ठंडी ठंडी हवा यहाँ चलती है, वो उड़ गई है डस्टबिन का ढक्कन लिड। तो एक तो मुझे ढक्कन लाना है और एक और मुझे वायु के, मेरे पास ना वायु का एक छोटा सा फोटो है, उसके लिए मुझे फ्रेम लाना है। एक बड़ा फोटो भी है, वो बेडरूम में लगा हुआ है। किसी दिन अपना पूरा होम टूर करूंगी तब दिखाऊंगी। तो देखिए अभी भी मौसम हो गया है, ठंडा हो गया है। ठीक है गाइज, अभी मिलते हैं मार्केट में डायरेक्ट। गाइज ये वो फोटो है वायु के फर्स्ट डे की, जब वो बॉर्न हुआ था उसका फर्स्ट डे था इस दुनिया में, तब की चाइनीज लगता था, जैपनीज लगता था। और अभी देख लीजिए अभी कैसा लगता है। अब हो गया हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तानी बच्चा। ठीक है गाइज ये फोटो है, ये मेरा पाउच है, इसमें लेके चलती हूँ डायरेक्ट, मिलूंगी आपको मार्केट में। मैंने अपने इस पाउच में रख लिया है एक प्लास्टिक बैग सब्जी के लिए, अगर थोड़ी सब्जी कुछ दिखी तो सब्जी भी लेती आऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फोटो क्यों लिया है, फोटो क्यों लेके जा रही हूँ अपने साथ में, इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे साइज नहीं पता। फोटो ले जाने से ना मुझे फ्रेम का साइज पता चल जाएगा, वहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रेम होते हैं, कोई भी मैं उसमें फिक्स कर लूंगी, देख लूंगी किस में फोटो फिक्स हो रहा है तो फिर वही ले लूंगी। गाइज ये फूल रास्ते में बार बार मुझे अट्रैक्ट कर देते हैं, मैं रोक रोक के इनकी वीडियो बनाने लगती हूँ। जो 100 के कॉइन पे थे ना वो यही फ्लावर थे, पूरे जापान में यही है वाइट चेरी ब्लॉसम। तोबू तोबी स्टोर अच्छा है, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं इसमें, यहाँ सब्जी फ्रूट्स ये भी मिलते हैं, रेट थोड़ी हाई हैं। चलिए मुझे तो सर जाना है। तो गाइज मैं स्टोर में आई थी अपने किसी काम के लिए, लेकिन वो मेरा काम नहीं हुआ, मुझे यहाँ वो नहीं मिला जिस काम से मैं आई थी। एनीवे दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं। अम्ब्रेलाज यहाँ काफ़ी कॉस्टली होते हैं, अम्ब्रेलाज की रेट देख लीजिए, 3,300, ये 3,300 रुपीज़ के अम्ब्रेला, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है बट अप्रॉक्स यही है, देखिए 2,900। चलिए यहाँ मेरा काम नहीं हुआ, अब मैं अपना कुछ और काम कर लेती हूँ, इस स्टोर में वो नहीं मिलेगा। मॉस बर्गर, यहाँ बर्गर मिल जाता है, वेज बर्गर यहाँ मिल जाता है, लेकिन आपको टिक्की नहीं मिलती आलू की, सॉसेज और ब्रेड बन से ये वेज बर्गर बना देते हैं, खाया था जब प्रेग्नेंट थी तब। यहाँ बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स हैं, पूरा फ़ोटो फ्रेम्स हैं, देखिए ये भी फ्रेम है बहुत प्यारा। सो फाइनली चूज़ मैंने ये 3 किए हैं, एक ये चूज़ किया है, एक ये चूज़ किया है और एक ये, इन तीनों में से मैंने कौन सा लिया है, लेना एक ही है तो इन तीनों में से मैंने कौन सा लिया है ये आपको मेरे नेक्स्ट कल के ब्लॉग में पता चलेगा। आप बताइए आपको तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है और मैंने कौन सा लिया होगा, सोचिएगा, एक ही लेना है। गाइस देखिए ये भी फ़ोटो फ्रेम है, मुझे ये भी वैसे अच्छा लग रहा है, इस तरीके से स्टैंड फोटो बस इसके अंदर डाल के इस तरीके से स्टैंड कर देना है, ट्रांसपेरेंट है, कोई वैसा फ्रेम नहीं है इसमें। ये भी कुछ ठीक ही लग रहा है, वैसे मैं ये नहीं ले रही हूँ, मैं इन तीनों में से एक ले रही हूँ। गाइज यहाँ से पूरा सेक्शन जो है फ़ोटो फ्रेम्स का है, लास्ट तक काफ़ी अच्छे अच्छे फोटो फ्रेम्स हैं, देखे गाइज मुझे बहुत प्यारा लगा है, बट मेरा फ़ोटो थोड़ा बड़ा है, ये फ्रेम सुंदर है लेकिन छोटे हैं साइज़ में। एक मैंने देखा है, देखिए गाइस यहाँ इस तरीके से मिलते हैं ये टेबल क्लॉथ्स, टेबल क्लॉथ नहीं है, छोटा सा एरिया कवर करेंगे, पीसेस होते हैं लेकिन बहुत सुंदर सुंदर है, काफ़ी लोग यहाँ खरीदते हैं ये। फाइनली मैं अपनी डस्टबिन की लिड के सेक्शन में आ गई, ये देखिए यहीं से मैं डस्टबिन लेके गई थी, ये है लिड इसकी। गाइस डिफरेंट बात ये है यहाँ पर कि आपको बॉक्स अलग से मिलेगा और लिड अलग से खरीदनी पड़ती है साथ में। ये थोड़ा छोटा सा एक सोप का सेक्शन है तो मैं ये वाला
सूप बहुत पसंद है मुझे, फ्रूट्स का है, काफ़ी अच्छा सूप है, ये भी ले लेती हूँ। इधर आ गई सेक्शन में, ये है लॉन्ड्री डिटर्जेंट और ये है उसका, इस पर इससे खुशबू आती है कपड़ों में, दोनों एक साथ में ऐड करके वॉश किया जाता है, तो मैं ये दोनों ले लेती हूँ। देखिए गाइज़, यहाँ मुझे कुछ डिफरेंट देखने को मिला, ये पंखे गाइज, जापान में सीलिंग फ़ैन नहीं होते, टेबल फ़ैन होते हैं, और देखिए पंखे को पैक करने के लिए अलग से एक पैकिंग का कुछ है प्लास्टिक का, देखिए ये कपड़े पैक करने के लिए अलग से, एंड अगर आप हैंग करके एक साथ कपड़े रखते हो तो उसको भी ढकने के लिए कवर, ये देखिए इधर कवर, ये सारी कवर के सेक्शन है, कपड़ों के कवर, पंखे के कवर, और ये सामान मैंने ले लिया है, सामने मेरी बिलिंग होगी, चलिए बिलिंग कराते हैं। ये है शूज रखने का स्टैंड, देखिए इनके ऊपर ये लोग शूज रखते हैं, इस तरीके से शूज रखने का स्टैंड है ये गाइज। तो गाइज मुझे यहाँ से बस लेना है अदरक, ये अदरक है आपका 100 रुपीज का, सी इतना सा अदरक 100 रुपये का गाइज, 108 रुपये की अदरक है ये, लेने में सिर्फ अदरक, सॉरी लेने सिर्फ वो आई थी डस्टबिन का ढक्कन और फोटो फ्रेम, और पता नहीं क्या क्या मैंने ले लिया, चलिए घर जाके मिलती हूँ। ये देखिए गाइज, फिर से मुझे देखी एक और फोटो की मशीन, हेलो मैं नजर आ रही हूँ क्या? तो यहाँ पे आपको खुद अपने आप अपनी साइज़ के अपनी चूज करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फ़ोटो का साइज़ पसंद है आप क्लिक कर सकते हैं, खुद ही निकालेंगे, खुद ही क्लिक करेंगे, यहाँ से फ़ोटो निकलता है, यहाँ से पैसे डालते हैं। चलिए गाइस लेट हो रही हूँ, बाय बाय, चूल्हा चूल लो। हाँ तो गाइस मैं घर आ चुकी, वायु के साथ भी मस्ती कर ली, चाय पानी सब हो गया, और ये मेरा डस्टबिन है, देखिए ये इसका ढक्कन, और सामान जो लाई थी देखिए, एक टिश्यू लाई थी और अदरक, देखिए इतनी सी अदरक 108 रुपये की, इंडिया में क्या रेट चल रहा है बताइएगा। ये है डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट में खुशबू वाला है, डिटर्जेंट नहीं है ये, क्या बोलते हैं यार, कुछ क्या कहते हैं इसको, देखिए इसका नाम मुझे पता ही नहीं चला क्या बोलते हैं, ये डिटर्जेंट का लिक्विड है, ये देख रहे हैं आप, ही मैंने वहीं पे चेक की थी, कलर कैसा लग रहा है, कलर नेल्स नहीं बढ़ा सकती, ओ हो इतनी जोल छे। तो गाइज ये है MC मेकअप टोक्यो, ये है पोर कवर पाउडर गर्ल्स रिलेट कर पाएंगी, ये क्या है, अच्छा है, आपको मंगवाना हो तो बता देना, पेटीएम कर देना, सब लोग ले आऊंगी आपके लिए भी, और बहुत जल्द मैं इंडिया आने वाली हूँ गाइज, ब्लॉग में बनी रहिएगा, मेरा चैनल छोड़ के मत जाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा, इंडिया के ब्लॉग दिखने में और भी ज्यादा मजा आएगा, खाऊंगी गोल गप्पे कचौड़ी चाट। गाइज आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नहीं भी पसंद आया होगा तो फिर भी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, बाय बाय।